राजस्थान में चल रहे सियासी बवंडर का अंत कैसे होगा, इस पर अब सभी की नजरें हैं। साथ ही विधानसभा सत्र 14 अगस्त से चलेगा। ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं। अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उसका क्या रूप होगा। इस सवाल के बीच सियासी दल और उनके अलग अलग गुट अपने अपने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार सत्र के पहले ही दिन 14 अगस्त को फ्लोर टेस्ट कराने की तैयारी में है। हालांकि अगर सरकार को लगा कि बहुमत उनके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में 17 अगस्त को फ्लोर टेस्ट होगा। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो गहलोत सरकार सुरक्षित होगी या नहीं, ये उस दिन देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि सरकार के पास 102 वोट है, लेकिन स्पीकर तभी वो वोट डालेंगे जब दोनों खेमों के वोट बराबर हो। वहीं मंत्री भंवरलाल मेघवाल अस्वस्थ हैं, इसके कारण उनका सदन में पहुंचना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में केवल 100 वोट अशोक गहलोत खेमे के पास रह जाते हैं। हालांकि अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास कांग्रेस के 82, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1, आरएलडी के 1, बीटीपी के 2 और निर्दलीय 10 विधायकों का समर्थन है। इस तरह से ये कुल आंकड़ा 102 का हो जाता है, जबकि पायलट खेमे में कांग्रेस के 19 बागी विधायक हैं और 3 निर्दलीयों का समर्थन है। ऐसी स्थिति में पायलट के पास कुल 22 विधायक हैं। वहीं बीजेपी की बात करें, कुल 75 विधायक हैं। इनमें 72 बीजेपी और 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हैं। माना जा रहा है कि इनमें 45 विधायक वसुंधरा राजे गुट के हैं, जबकि 7 विधायक उपनेता राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुट के हैं, जबकि 20 विधायक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का नाम सबसे ऊपर आता है। वहीं पायलट गुट का कहना है कि गहलोत के पास 99 ही विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अगर गहलोत 99 के फेरे में फंस गए तो सरकार गिरनी तय है। उधर बीजेपी भी इस कोशिश में है कि पायलट और बाकी निर्दलीय को अपने ओर किया जाए, ताकि अशोक गहलोत की सरकार गिरती है तो सरकार बनाने का दावा किया जा सके। हालांकि ये सब पायलट पर भी निर्भर करता है कि वो किस ओर जाते हैं। पायलट अभी तक अपना पत्ता नहीं खोले हैं। हालांकि राजस्थान का सियासी रण किस ओर करवट लेगा, ये 14 तारीख को ही साफ हो पाएगा। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत मामले पर शिवसेना सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार के पुलिस अधिकारी विनय तिवारी के साथ उद्धव ठाकरे की पुलिस ने जो व्यवहार किया, उसके बाद अब मुंबई पुलिस और ठाकरे सरकार निशाने पर है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पहले ही मुंबई पुलिस के इस रवैये पर सवाल खड़ा किया था और अब बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। मुंबई पुलिस के बर्ताव पर अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में व्यवहार किया जा रहा है, मुझे लगता है कि मुंबई ने मानवता खो दी है और वो भोले भाले स्वाभिमानी नागरिकों के लिए जीने के लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि अमृता फडणवीस और शिवसेना का 36 का आंकड़ा पहले से ही है। जैसे ही उन्होंने गठबंधन सरकार पर निशाना साधा, शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर कहा कि मुंबई पुलिस की सुरक्षा में कार के साथ चारों ओर घूमिए। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस पर आरोप लगाने वाले, उसे बदनाम करने वाले इन प्रदेश बीजेपी नेताओं और उनके परिवारों को चुनौती देती हूं कि अपनी पुलिस सुरक्षा को छोड़ दे और निजी एजेंसियों की सुरक्षा ले ले, जो उन्हें शहर में सुरक्षित महसूस करा सके। वहीं एनसीपी प्रवक्ता अदिति नलवड़े ने एक समारोह की पुरानी तस्वीर के साथ ट्वीट किया, जिसमें अमृता फडणवीस एक जहाज पर किनारे पर बैठी दिख रही हैं और लिखा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वो एक क्रूज जहाज पर किनारे पर खतरनाक तरीके से बैठी थी तो वो मुंबई पुलिस का जवान था जो उनकी सुरक्षा कर रहा था। मामले को लेकर शिवसेना और गठबंधन सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन अभी तक सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। इस पर कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं आ रहा है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच के लिए भी तैयार नहीं है और बिहार पुलिस महाराष्ट्र पहुंची है, उसके साथ भी मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल मुंबई पुलिस और सीएम उद्धव ठाकरे पर भी खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 99 के चक्र में फंसी कांग्रेस को अब सरकार गिरने का डर सताने लगा है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सचिन पायलट पर डोरे डाल रही है। दरअसल कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि 14 तारीख को जब विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा तो सीएम गहलोत को 101 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अंकों के खेल में गहलोत पिछड़ रहे हैं, जिसके बाद सीएम गहलोत ने ही सचिन पायलट को लेकर नरमी दिखाई है और अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। हालांकि साफ साफ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी से ऐसा ही लग रहा है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट को पहले आकर बातचीत करनी चाहिए। पायलट बाहर आए और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उसके बाद ही उनकी वापसी पर कोई बातचीत हो सकती है। वहीं सुरजेवाला ने दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस के पास 102 से ज्यादा विधायक का समर्थन है। इससे पहले उन्होंने 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। हालांकि सुरजेवाला की ये दोनों दावे झूठे हैं। आपको बता दें कि पायलट समेत 19 विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है, जिससे सरकार खतरे में पड़ गई है। गहलोत अपने समर्थक विधायकों को जैसलमेर में रखे हैं। हालांकि कांग्रेस पायलट को पहले भी मनाने की कोशिश कर चुकी है, उनसे बातचीत करने के लिए कई नेताओं को भेजा, लेकिन पायलट समेत कोई भी बागी विधायक अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। सचिन पायलट ये भी साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले गहलोत ने पायलट पर कई बार टिप्पणी की, लेकिन अब सरकार गिरता देख गहलोत भी पायलट के सामने नतमस्तक हो गए हैं। हालांकि असली खेल 14 अगस्त को ही होगा, जब विधानसभा में गहलोत बहुमत साबित करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हो गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतवासियों का 492 साल पुराना सपना पूरा हो गया, लेकिन इस पर अभी सियासत खत्म नहीं हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM को अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है। एक तरफ अयोध्या में पीएम मोदी भूमि पूजन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये लोग जहर उगल रहे थे। वहीं इस भूमि पूजन पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद पीएम ने भारतवासियों का सपना पूरा कर दिया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा खामोशी से हिंदुत्व की राजनीति करती आई है। कांग्रेस को खुलकर कह देना चाहिए कि वो हिंदुत्व की विचारधारा को मानती है। कांग्रेस पहले भी मिली हुई थी, अब उनको ये तय करना है कि वो टीम हिंदुत्व का साथ देंगे या टीम इंडिया का, जो धर्म निरपेक्षता पर विश्वास रखती है। इसके साथ ही ओवैसी ने SP के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी सियासी रोटी हमारे खून पर सेकी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब दोबारा मुलायम सिंह यादव UP के मुख्यमंत्री बने, तो वो इस मामले में सोते रहे। उन्होंने केस में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जिन लोगों को हमने रक्षक समझा, उन्हीं लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है। वहीं AIMPLB ने अपने ट्वीट में कहा कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण निर्णय इसे बदल नहीं सकता है। इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी भूमि पूजन की तारीख पर सवाल खड़ा किया था। हालांकि राम के नाम पर राजनीति होती रह गई और मोदी ने भूमि पूजन कर इतिहास रच दिया। दिल्ली में कांग्रेस ने पार्टी के नाम पर कई सरकारी अवैध बंगलों पर कब्जा जमाया है। हालांकि ये सब मामला इसलिए दबा था क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और पार्टी को मन मुताबिक बंगले मिले थे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी बिना किसी पद के पिछले 20 सालों से सरकारी बंगले में रह रही थीं, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई और प्रियंका को बंगला खाली करना पड़ा। अब कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा के लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगले से निकलने के बाद अब कांग्रेस को लुटियंस दिल्ली में अपने 4 बंगले गंवाने पड़ सकते हैं। इसमें एक 24 अकबर रोड स्थित उसका मुख्यालय भी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में 2 साल पुराने प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है। अगर प्रस्ताव को आखिरी मंजूरी मिल गई तो कांग्रेस को 24 अकबर रोड, 26 अकबर रोड, 5 रायसीना रोड और चाणक्यपुर स्थित CII/109 बिल्डिंग खाली करने पड़ सकते हैं। डायरेक्टरेट पहले ये प्रस्ताव 2018 में लेकर आया था, हालांकि उस समय सरकारी अड़चनों की वजह से इस पर विचार नहीं हो पाया, लेकिन अब सरकार का रुख स्पष्ट है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को अपना पार्टी ऑफिस बनाने के लिए 2010 में इंस्टीट्यूशनल लैंड आवंटित किया गया था। नियम साफ कहते हैं कि किसी पार्टी को ऑफिस बनाने के लिए 3 साल का वक्त दिया जाना चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस को इन भवनों को 7 साल पहले खाली कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पार्टी को अपना दफ्तर बनाने के लिए जून 2010 में 9A राउज एवेन्यू में जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने ढुलमुल रवैया दिखाते हुए अभी तक नया ऑफिस नहीं बनाया है। हालांकि अब विभाग इस पर सख्त हो गया है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी को 4 दफ्तरों को खाली करना पड़ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की जांच करने पहुंची बिहार पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस जांच नहीं करने दे रही है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार इस हाई प्रोफाइल केस को सीबीआई के हवाले सौंपने को भी तैयार नहीं है। इस बीच बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मामले को सीबीआई के हवाले सौंप दिया है। हालांकि मुंबई पुलिस पिछले कई दिनों से जैसे जांच कर रही है, इस पर लोग जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस केस में सड़क छाप पॉलिटिक्स हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस के जरिए उनके और उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है, जिसके बाद अब इस मामले में कंगना रनौत ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है। रनौत ने ट्वीट किया है कि देखिए डर्टी पॉलिटिक्स की बात कौन कर रहा है, आपके पिता को मुख्यमंत्री की सीट कैसे मिली, ये भी डर्टी पॉलिटिक्स पर केस स्टडी है सर। इसके अलावा कंगना ने आदित्य से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती कहाँ है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आखिर मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को लेकर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं की थी। एक के बाद एक कई ट्वीट कर कंगना ने मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सवाल किया है कि बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन के नाम पर लॉक करके क्यों रखा हुआ है। उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर आप सीबीआई जांच से इतना डर क्यों रहे हैं। हालांकि कंगना के ट्वीट पर अभी शिवसेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और न ही उनके सवालों का किसी के पास जवाब है। कंगना रनौत उन अभिनेत्रियों में शामिल है जो शुरू से सुशांत मामले को लेकर आवाज उठा रही हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है। एक बार फिर उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र से ऐसे वाजिब सवाल पूछे हैं कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कांग्रेस को भी आज प्रभु श्री राम याद आ गए। पीएम मोदी जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे तो कांग्रेस नेता भी अपने आप को नहीं रोक सके और राम के नाम पर ट्विटर पर उतर गए। हालांकि कांग्रेसियों का राम से प्रेम ट्विटर यूजर्स को रास नहीं आया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पिछले कई दिनों से खामोश थे। लोग इसी इंतजार में थे कि राम मंदिर पर कब राहुल गांधी अपना मुंह खोलेंगे, और जब आज राहुल ने ट्वीट किया तो लोगों ने राहुल को जमकर सुनाया। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भगवान राम मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है और वो कभी घृणा एवं अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता ने कहा, राम करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वो कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। राहुल के ट्वीट के बाद वो यूजर्स के निशाने पर आ गए। ट्विटर यूजर मनोज अग्रवाल लिखते हैं, कल तक जो करते थे अली अली, आज कह रहे हैं हे राम सबके राम, सबके मन में राम। जय वशिष्ठ लिखते हैं, जब पूरा विश्व श्री राम मय हो गया है तो तुम कैसे बच सकते हो राहुल जी, अब आपका भाव सागर से पार होना सुनिश्चित है। इसी तरह एक यूजर ने लिखा कि वो सभी राजनीतिक जिन्होंने गर्व से टोपी पहनकर इफ्तारी देना और हिंदू रीति रिवाजों त्योहारों से कन्नी काटना धर्मनिरपेक्षता का पर्याय बना दिया था, वो आज राम और शिव भक्त बने हिंदू धर्म पर ज्ञान बांच रहे हैं, क्या दिन आ गए हैं। ऐसे कई यूजर्स ने राहुल को निशाने पर लिया। दरअसल कांग्रेस से लोग आज से नहीं बल्कि बरसों से ही चिढ़े हैं। कांग्रेस मंदिर पर सियासी रोटी सेकती रह गई और कभी मंदिर बनवाने को लेकर कदम नहीं बढ़ाया, और आज जब पीएम मोदी के शासन में मंदिर बनने जा रहा है तो श्रेय लेने में कांग्रेस जुटी है, लेकिन जनता सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।